अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई लोग, फाइनली हमारी गाड़ियाँ रेडी हो गई हैं बिल्टी के लिए। ये देखो, ये है शहजाद भाई की गाड़ी, माशाल्लाह ऐसी पैक हुई है ना। ये शहजाद भाई की दुल्हन है, ये हमारे फारूक भाई की दुल्हन है। बस अल्लाह खैर खैरियत से पहुँचाए, गाड़ी में कोई मसला ना हो, क्योंकि भाइयों ने, बच्चों ने, मेरे दोस्तों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत खर्चा किया है। ये हमारी एक इतने टूर की समझो 7 गाड़ियाँ रेडी हो गई हैं। 2 हमारे साथ तो कुछ सफ़र करेंगी और फिर वहाँ से वो अलग हो जाएंगे और हम लोग इस गर्दू के लिए निकल जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम पिंडी पहुँच चुके हैं और हमारी बाइक भी सही सलामत हमें मिल गई है, शुक्र अल्लाह का। और बाइकें बड़ी अच्छी कंडीशन में थी, ये सारे कार्टन हमने अपनी बाइकों से हटाए। ये चाचा के भी मौजे हो गए, बोला ये कार्टन हमारे काम आएंगे अगली बाइकें लपेटने के। ये हमारे शहजाद भाई की शपाटर है, ये हमारे उमेर भाई की शपाटर है, ये हमारा वकास भी शपाटर है, फारूक भाई भी मसरूफ़ हैं अपनी गाड़ी के तरह लगे हुए। ओए हो, तो डायरेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश की है। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। चलिए जी, राइड का स्टार्ट लेते हैं हम इस्लामाबाद से, और हवेलियाँ, हरिपुर, मानसेरा, एबटाबाद से होते हुए हम पहुँचेंगे बालाकोट, और हमारी कोशिश होगी कि हम अपना स्टे नारान में करें। हाँ तो जी, इस तरह हमने राइड स्टार्ट ले ली है अपनी इस्लामाबाद से, और हम अभी जा रहे हैं इस्लामाबाद में कि कोई करीबी पेट्रोल पम्प से फ्यूल भरवाएँगे, तो उसके बाद हम टैक्सीला से होते हुए हवेलियाँ, हरिपुर का रास्ता पकड़ेंगे। और सही है, मौसम भी ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन आगे के जो वेदर की अपडेट है वो ये है कि बारिशें हैं। आई होप कि हमें कोई बारिश ना मिले, यानी ऐसा वेदर ना मिले जिससे हमें परेशानी हो। वापसी हो गया भाई, सपाटर की वापसी गए, ये वो वाला टोल प्लाजा यार, हाईवे वाला। कहाँ पर है तू? ये हमारे चाचा है फॉरेस्ट जंगलात के ना। हाँ, तो अभी हमारी थोड़ी गाड़ी का मसला खराब हुआ है, चाचा से हमने चीजें वीजें ली है, छुरी। ठीक है चाचा, थोड़ा नाम की है? खालिद। खालिद, खालिद, खालिद का। ठीक है चाचा, दुआ में याद रखना। अल्लाह आमीन आमीन आमीन। मैन ऑफ
अब हम ड्रोन रेडी कर रहे हैं यहाँ के हसीन मनाजिर को अच्छे से कैप्चर करने के लिए। लेट्स सी कैसा शूट होता है। ओए होए होए क्या ज़बरदस्त व्यू है। उफ पानी भी बहुत ठंडा है। बस एहतियात से चलानी है गाड़ियाँ। तो यार भूख लग रही है, चलते हैं अभी कोई सामने शॉप पे रोकते हैं, चाय के साथ थोड़ा टक टुक हो जाए। क्या ख्याल है। शॉप पे सिर्फ चाय थी लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा था तो हमारा इरादा है कॉफ़ी पीने का, तो और कॉफ़ी का सामान तो हम साथ लाएँ और ये छोटा सा स्टॉप भी है तो हमने सोचा क्यों ना आबशार के पानी से कॉफ़ी बना ली जाए। ज़बरदस्त मौसम है। बालाकोट आ गया। ठीक है यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ ड्रोन शूट लेते हैं फिर चलते हैं। ये शिदात भाई गरम आंडे खाते हुए, तो मेरे भाई गरम बोटे खाते हुए, और ये मैगी गुप्ता खा रहा। ये छोटे से हमने चार अंडे लिए, बस ये सामने गुप्ता वाला। हाँ तो बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बता नहीं सकता। व्यू आपके सामने ही है, कितना ज़बरदस्त कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो बालाकोट से हम रवाना हो चुके हैं, अभी अगली मंजिल हमारी नारान है, नारान हम स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे हम नारान से बाबूसर होते हुए स्कर्दू के लिए रवाना होंगे। तो आज का एपिसोड बस यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट एपिसोड नारान की मॉर्निंग से शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Yeah.